नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में रक्षा से संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत अभी तक जो गोला बारूद, बंदूक, राइफल, ये सारी चीज़ें जो यूज में लाता है, इसको अभी भारत परचेस करता है दूसरे देशों से। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि हमारा एक समय में 90% सामान रसिया से आया करता था, जो कि अब दिसंबर 2025 से इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें अब भारत में ही बना करेंगी। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्या हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है क्या कि हम ये सारी चीज़ें खुद बना सकते हैं। क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास उतने वेंडर्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि ये सारी चीज़ बनाए और भारत को ये सप्लाई कर सके, और क्या भारत के पास रियली में इतनी क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की कि हमें मतलब बनाना पड़े या हमें दूसरों से परचेस करना पड़े। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्यों ये ऐसी ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, दरअसल क्या है कि हमारा एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम रसिया से करीब अपनी ज़रूरत का 90% सामान परचेस करते थे, रसिया ही हमें सप्लाई करा करता था। फिर एक समय ऐसा आया जो अब का ये रसिया है, ये पहले USSR हुआ करता था। फिर ये USSR जब टूटा अपना छोटे छोटे देशों में, तो उस वक्त रशिया अपने आप में, जो अभी का रशिया है, ये USSR परेशान हो गया अपने आप में, और जो भारत को सप्लाई चाहिए थी हथियारों की, वो उतनी अच्छी तरीके से वो उस वक्त कर नहीं पाया। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी कंट्री के लिए हथियार की सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी हमें ज़रूरत हो और पता लगे कि हमको जिसे हथियार परचेस करना है वो हमको दे नहीं पा रहा है, कभी युद्ध हो रहा हो और जब हमें चाहिए कि आज हमको गोला बारूद बिल्कुल अच्छे से मिलना चाहिए क्योंकि युद्ध चल रहा है, लेकिन सामने वाली पार्टी अगर आपको नहीं दे पाती है तो ये कितना बड़ा खतरा तैयार कर देती है। एक तो ये परेशानी है। दूसरी चीज़, जिससे हम युद्ध लड़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि रशिया ने उसको सामान ना बेचा हो, रशिया उसको भी बेच सकता है जैसे हमको बेच सकता है। तो जो हम हथियार यूज करने वाले हैं उसका सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी हथियार को यूज करने जा रहे हैं और सामने वाले को नहीं पता, तब तो वो एक सरप्राइजिंग वेपन होगा, उससे कुछ आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर उसे मालूम है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सामने वाले दुश्मन को, तो दोस्तों सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, एक समय ऐसा आया फिर जब हम मेक इन इंडिया की बात करने लगे, कम्प्लीटली मेक इन इंडिया की, हम अब भारत में ही चीज़ों को बनाया करेंगे और दूसरे देशों को ऊपर से निर्भरता को कम करेंगे। तो मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस के लिए काम किया गया, जगह जगह पर हमने फैक्ट्रियां बनानी स्टार्ट करी। अच्छा, इसमें सरकारी कंपनी भी है जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं कई, इसमें मतलब आप देखेंगे तो कई वेंडर्स यानी कि जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो प्राइवेट हैं, और इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें बनाते हैं, छोटे छोटे हथियार भी बनाते हैं, छोटी छोटी हथियार के अलावा सामान भी बनाते हैं और बड़े बड़ी सी हथियार भी बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत के पास कुछ ऐसा था जिसके लिए हम ये बना रहे हैं, तो क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, कैपेबिलिटी थी? दोस्तों, एक समय पर नहीं थी, और हम जब परचेस करते थे तो हमारा पैसा विदेश चला जाता था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का हमें लॉस होता था। फिर दोस्तों, जब हमने इसमें काम करना स्टार्ट किया, हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले जिनसे हम परचेस करते थे उनसे हमने ये कहा कि ठीक है, हम आपसे परचेस करते हैं, लेकिन आप हमको जो भी सामान बेचेंगे वो पहली चीज़ तो आप हमारे पास आकर बनाइए, और आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए। तो इस पे बहुत से देश मान गए, उन्होंने हथियारों को भारत में बनाना शुरू करा और अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करी, जिससे भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी मिल गई, और भारत के लिए ये बहुत ही गेम चेंजर साबित होने लगा, क्योंकि भारत ने उसी चीज़ों से अपनी दूसरी चीज़ें भी टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा सीखते समझते हुए दूसरी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। भारत के जो लोग हैं
यानी कि वेंडर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो हथियारों को बनाते हैं, उन्हें नया रोज़गार मिल गया, मतलब ऐसा समझ लिया, क्योंकि भारत के लोग अंदर ही ऑर्डर उनको मिलने लगे, भारत सरकार ऑर्डर देने लगी, वो लोग बनाने लगे, तो इससे क्या हुआ कि हमको टेक्नोलॉजी भी मिली और हमारी कैपेबिलिटीज़ भी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार ने इससे पहले एक लिस्ट बनाई कि ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिसमें हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, अगर कम अच्छी टेक्नोलॉजी के भी हैं तो भी हमें चल जाएगा काम। तो दोस्तों, भारत ने ऐसी एक लिस्ट बनाई और उसमें फिर छोटी छोटी चीज़ों को देखा कि जिनको हम खुद बना सकते हैं, तो उसको हमने खुद की कंपनियों से बनवाना स्टार्ट किया, हमारी कंपनियों को ऑर्डर गया, उनको पैसे मिले, फिर धीरे धीरे उन कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी खरीदी, टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगे, रिसर्च में और पैसे लगाने लगे। फिर अब क्या है कि दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है इस वक्त कि अब हम डिफेंस की चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। अब ये समझ लीजिए कि 2023-24 में अगर बात करें तो भारत ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट किया है, और अगर इसको हम डॉलर के टर्म्स में बात करें तो ये 2.6 बिलियन डॉलर के आसपास बनता है अमाउंट। और इसमें खरीदने वाला कौन, खरीदने वाला है फिलीपींस, वियतनाम है, मतलब एक लंबी लिस्ट है, जैसे कि अर्मेनिया के बाद इजिप्ट, जो इसराइल के बगल का देश है। तो इस तरह के कई प्लेयर्स हैं जो हमसे अब हथियार खरीद भी रहे हैं। और इसमें ये दोस्तों समझ लीजिए कि जैसे ब्रह्मोस बड़ी चीज़, ये मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमने हेलमेट बेच दिया, ब्रह्मोस बेचा है, ये बड़ी चीज़ है। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम अब अच्छा कर पा रहे हैं कि हमें पैसे उससे जनरेट हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये तो रही दोस्तों एक बात कि हमने इसको बनाया और बेचा, बनाने के लिए अब हमारे पास चीज़ है, अब उससे थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। अब दोस्तों लेकिन एक चीज़ और, क्या भारत को वाकई इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी है? तो दोस्तों, भारत को दरअसल सिर्फ इसलिए ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमको बाहरी दुश्मनों से लड़ना है। दरअसल दोस्तों, दुश्मन हमारे देश के अंदर भी हैं। बाहरी दुश्मनों की बात करें तो वो सबको सामने से दिखता है कि एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, जिनसे हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब के अलावा अगर बात करें तो भारत को और भी ज़्यादा हथियारों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ नक्सलवाद है, उसके बाद बहुत से माओवादी ग्रुप हैं। आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ आपको ये आतंकियों को, ये नक्सलवादी और ये जो दूसरे तत्व हैं जो आपराधिक किस्म के होते हैं, इनसे भारत के जो सेना है वो BSF, और अगर आप देखेंगे तो इन सब की लड़ाई होती रहती है। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों से अगर लड़ना है, बचना है, तो हमें हथियारों की ज़रूरत तो होगी। तो इसीलिए भारत सरकार को बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमारे पास हथियार बहुत रहने चाहिए। तो इसी कड़ी में भारत ने फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और फाइनली अब ये डिसाइड कर दिया है कि दिसंबर 2025 के बाद से हम गोला बारूद, राइफल, इन सब चीज़ों की जो हम परचेज करते हैं, ये बंद कर देंगे, पूरी तरह से बैन कर देंगे और इसको हम खुद ही बनाएंगे। आपको पता होगा जैसे AK-203 राइफल है, जो इसको भारत ने खुद एक फैक्ट्री लगाई यूपी के अंदर और उस पर काम स्टार्ट कर दिया, अब वो अच्छे से काम कर रही है। दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि इसी तरह से देश कोई भी हो डेवलप होता है, अगर हम वो लिस्ट ना बनाते तो वो ऐसे ही पैसे हमारे बाहर जाते रहते, हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते, लेकिन हमने एक लिस्ट बनाई, उस पर हमने काम स्टार्ट किया। आज धीरे धीरे वो स्टेज आ गई कि हम चीज़ों को बनाने लगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत अच्छी क्वालिटी के और भी अच्छी चीज़ें बना रहे होंगे। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अगर डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।